ये कैसा समाज है, हम कैसे लोग हैं कि एक महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करके खुलेआम गांव में घुमाना बस एक घटना हो और ये हमारे लिए बस रोज की क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह सकती कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और महिला को मुआवजे से इंसाफ मिल गया है। ऐसी घटनाएं हमें जड़ से क्यों नहीं हिला देती? अब कैसे हम अपने आप को सभ्य समाज कह सकते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ का मामला एक महिला के खिलाफ हुए अपराध का मामला नहीं है, ये मामला हमें आईना दिखा रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक नौजवान महिला को उसके पति ने पीटा और फिर निर्वस्त्र कर घुमाया। पति और पत्नी कुछ समय से अलग रह रहे थे। इस घटना को पति के एक साथी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और महिला को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसे देखकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ऐसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। इसके फौरन बाद वरिष्ठ पुलिस अफसर प्रतापगढ़ पहुंचे और 12 घंटों के अंदर मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पति, उसके साथी जिन्होंने महिला को अगवा किया, कपड़े उतारे और वीडियो बनाया। वो जहां रह रही थी वहां से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पकड़ के लेके आए। लेके आने के बाद अपने जो ससुराल में उसको तीन लोगों ने निर्वस्त्र किया, उसके बाद उसको वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर दिया। किडनैपिंग प्लस निर्वस्त्र करके घुमाना, उसमें जो मेन थे 8 लोग थे, उसमें 7 हो गए और 1 बाकी है बस। रूपा पुलिस ने भीड़ में खड़े 8 लोगों की शिनाख्त भी की है जो तमाशबीन बने खड़े रहे और पीड़ित की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उन पर मिलीभगत का आरोप लगेगा। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा है, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप। महिला आयोग इस तरह की अक्षम्य जो कांड है उसको कभी भी माफ नहीं करेगी, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी की हौसला नहीं होएगा भविष्य में किसी के साथ इस तरह की हरकतें करने की। महिला आयोग इस बात की गारंटी दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बाकी काम छोड़ प्रतापगढ़ जाकर पीड़िता से मुलाकात की और मदद का ऐलान किया। पारिवारिक झगड़े भी होते कई बार, दुनिया में होते हैं। कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा गांव है या जिला जहाँ घटना नहीं होती है, पारिवारिक घटना होती है, नाराजगी भी होती है पत्नी पति के बीच में, सब कुछ होता है। पर ये जिन्होंने हरकत करना, कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना दुखद कोई हो नहीं सकती। जिले के SP और अतिरिक्त SP के तहत एक विशेष जाँच दल बनाया गया है जो जाँच पर नजर रखेगा और जल्द मुकदमा करवा कर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा। प्रतापगढ़ में सुभाष मेहता के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और राजस्थान में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध राजनीति का मुद्दा बन रहे हैं और हो भी क्यों ना, इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव जो है, लेकिन हकीकत यही है कि देश भर में आज भी महिलाएं निशाने पर हैं, गांव कस्बे हों या फिर शहर। देश के कानून में बड़े बदलाव के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल पेश कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया है कि इन सभी बदलावों के केंद्र में महिलाएं और बच्चे हैं, ताकि उनके खिलाफ हो रहे अपराध जिसकी नींव सामाजिक है उस पर लगाम लगाई जा सके। उम्मीद करते हैं कानून में बदलाव वाकई इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए एक नई शुरुआत करेंगे।